नवी मुंबई तुर्भे पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है जो टैक्सी चलाकर रात के समय लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए आरोपी कुलदीप शंकर दुबे, निशांत सिंह, सुनील कुमार पांडे, होरीलाल यादव, ये सभी कांदिवली से नवी मुंबई में लूट के इरादे से आए थे, जिन्होंने एक राहगीर को अपना शिकार बनाया, लेकिन उनके हाथ कोई बड़ी रकम नहीं आई और झटपट रकम कमाने के चक्कर में ये सभी सलाखों के पीछे पहुंच गए। आपको जानकर हैरत होगी कि जिसको लूट का शिकार बनाया था उसके जेब से आरोपियों को चंद रुपए मिले थे। आप देख सकते हैं ये वही आरोपी है जो अपनी करनी पर अब पछता रहे हैं। आरोपियों के विषय में नवी मुंबई जोन 1 के DCP साहजी उमाप ने विस्तृत जानकारी दी। दुर्भे MIDC पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज था IPC की धारा 395 के तहत, तो इस घटना का डिटेक्शन अभी हो गया है। 29 जून को रात 3:45 की ये घटना है जहां पर कंप्लेनेंट जब रास्ते पर किसी व्हीकल का वेट कर रहा था तो अचानक से ये कैब वहां पे आई जिसमें चार आरोपी थे। उन्होंने वो गाड़ी वहां पर रोकी, कंप्लेनेंट को गाड़ी में लिया, कुछ आगे जाकर तुर्भे रेलवे स्टेशन के पास इन्होंने गाड़ी को रोका, इस कंप्लेनेंट को मारा और उसके पास से उसका जो भी सामान था, उसकी बैग, मोबाइल और नगद उसके पास जो थी वो छीनकर उन्होंने आरोपी को धकेल दिया और वो फायरोली की तरफ निकल गए। कुछ ट्रैवलिंग करना हो तो कंपनी को उसने कॉल करना चाहिए, जो भी नंबर उन्होंने डिस्प्ले किए हैं उस पर कॉल करके टैक्सी मंगाना चाहिए और बाद में ही उसमें बैठना चाहिए। जिस टैक्सी में पहले से ही कुछ लोग बैठे हैं, हो सकते हैं कि उसमें कुछ लोग गुनहगार भी हो सकते हैं और आपको लूटा भी जा सकता है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि जिस टैक्सी में पहले से कुछ लोग बैठे हैं ड्राइवर के अलावा, उस टैक्सी में नहीं बैठना चाहिए।